ठीक है, चले आपकी तरफ वापस भी आते हैं, जरा महाम बानो साहब का कंसल्टेंट हमारे साथ मौजूद है, रुकिएगा जरा आपकी तरफ वापस भी आते हैं। महाम बानो साहब, जाहिर है वो अपनी जॉब भी कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स भी जा रहे हैं, ऐसे लोगों के पास भी जा रहे हैं जो कि इस मरस का शिकार हैं, तो फिर क्या एहतियाती तदाबीर उन्हें मजीद इख्तियार करनी चाहिए जबकि उनके पास किट्स भी अवेलेबल नहीं है? कितनी इंपॉर्टेंट है ये किट्स इस वक्त? देखिए, किट्स डेफिनेटली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस सिचुएशन पे काबू पाने के लिए इस वक्त हमें दो लेवल पे कोऑपरेशन की बहुत जरूरत है हर शख्स से, और वो है एक नंबर वन कलेक्टिव लेवल पे, यानी एज अ कम्युनिटी हम किस तरीके से एक दूसरे से कोऑपरेट करें, और दूसरा इंडिविजुअल लेवल पे। कम्युनिटी लेवल पे ऑफकोर्स जो गवर्नमेंट इस वक्त प्रिकॉशनरी मेजर्स ले रही है उनको वायलेट ना किया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग, ये तमाम चीज़ों पे अमल करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे मैं जिस पे लोग इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे उस पर मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त इस वायरस से बचने के लिए अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखना, और इम्यून सिस्टम जो है वो आपका सप्रेस होता है जब हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस में जाते हैं। स्ट्रेस इज समथिंग दैट सप्रेस द इम्यून सिस्टम, तो अपने आप को जितना ज्यादा ठीक है, बिल्कुल सही है, बात तो बार बार कही जा रही है कि इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करें आप।